देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सराहनीय सेवा के लिए एडीजी वीके सिंह सहित 15 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे। 14 पुलिसकर्मियों को पदक मिलेगा। बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। वीके सिंह ने पेपर लीक के ग्रोह का खुलासा किया था। अब तक एसओजी 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है। वीके सिंह राजस्थान एसओजी में 26 जनवरी 2024 से काम कर रहे हैं। 8 महीने में वीके सिंह के नेतृत्व में 150 से ज्यादा बदमाशों की गिरफ्तारी एसओजी कर चुकी है। राजस्थान में भारी बारिश के बाद सीवरेज और ड्रेन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है। सीवरेज और ड्रेन सिस्टम फेल होने का असर राजधानी जयपुर में देखा जा सकता है। अब इस समस्या का खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की साफ सफाई, ड्रेन, सीवरेज, क्षतिग्रस्त सड़कों सहित सभी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शहर का दौरा करने का निर्देश दिया है। राजस्थान बीजेपी के नेता करोड़ीलाल मीना 1 महीने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन मंगलवार को करोड़ीलाल मीना ने करीब 1.5 घंटे के लिए फिर से अपने ट्विटर बायो पर पहले कैबिनेट मंत्री लिखा, हालांकि फिर इसे हटा दिया और फिर से विधायक बन गए। अब राजस्थान में इस घटना को लेकर सियासी चर्चाएं जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद इस घटना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। इसी क्रम में कोटा में सेवारत डॉक्टरों ने इस घटना के दोषियों को फांसी सजा की मांग को लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस हत्याकांड के विरोध में कोटा मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी चिकित्सकों के 600 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। इसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाड़मेर जिले के चौहटन इलाके के लीलसर गांव में एक साथ 10 हिरणों के शिकार प्रकरण में 2 दिन से जारी धरना मंगलवार देर रात समाप्त हो गया है। पुलिस, जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मंगलवार रात धरना स्थल पर ग्रामीणों से बातचीत की। साथ ही 7 दिन में हिरण शिकार प्रकरण में फरार बाकी आरोपी और हिरण मांस खरीदारों की गिरफ्तारी का आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। डूंगरपुर में झगड़ा कर रहे बदमाशों को छुड़ाने गई पुलिस पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सागवाड़ अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। नाबालिग से ज्यादती के मामले में ताउम्र कारावास की सजा काट रहे आसाराम को पहली बार 7 दिन की परोल मिल गई है। बताया जा रहा है कि परोल की अवधि में आसाराम महाराष्ट्र के मधोबाग में इलाज करवाएंगे। इस दौरान वो पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की परोल दी है। नोएडा के निठारी हत्याकांड मामले में सीबीआई की एक और अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को पुरानी अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और मामले में कोहली को बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को अगली डेट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल की अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।